मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हाँ, लाइन पे काम करता हूँ इसी पे, और 6-7 महीने हो गए काम करते करते। ये जो बनिहाल का जो अंदर मार्केट से रोड आया है उस पर काफ़ी जाम लगता है, और ये जो जाम की वजह से ये रोड बनाया जा रहा है, ये खारपुरा से और ये यहाँ तक प्लाजा तक यहाँ तक बनाया जा रहा है। ये रोड बोल्ट टाइट करने का काम है हमारा, बोल्ट टाइट करते हैं इसमें हम। समय नहीं लगना है, बस 1.5-2 महीने में ये चालू होने वाला है। इधर से पूरा कंप्लीट हो गया है, डामर भी हो गया है। उधर खारपुरा की तरफ 2-3 स्कैन बचे हैं, वो ये सब पूरा क्लियर हो गया। इधर से पूरा खारपुरा की तरफ बचा हुआ है, 2-3 स्कैन का उधर हो जाएगा 1.5-2 महीने में, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। उधर से जाम वाम लगने का समस्या ख़त्म हो जाएगा, इधर से सीधा ट्रैफिक चालू हो जाएगा। पहले मैं इसका सहरा गडकरी जी को दूंगा, उसके बाद NHAI को दूंगा, उसके बाद DC रामन को, और जो भी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम है जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा कि बनिहाल को बहुत बड़े झंझट से आज़ाद कर दिया, सिरदर्दी से आज़ाद कर दिया। क्योंकि जब जामिंग लगती थी तो कई स्कूली बच्चे टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे, उसके बाद जो कोई पेशेंट होता था जो दूर दूर इलाकों से आते थे तो जामिंग की वजह से कई बार उनकी जानें भी ज़ाया हुई। तो मैं मुबारकबाद ही दूंगा जो भी कंपनी इसमें काम कर रही है, MG कंस्ट्रक्शन के नाम से, उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और बनिहाल स्ट्रेच तो बहुत ही टफ स्ट्रेच था। मैं मुबारकबाद ही दूंगा NHAI की पूरी टीम को, DC साहब को, कि जो डिवाइड हो गया खारपुरा से लेके जो पुराना टोल पोस्ट है वहाँ तक ये सीधा बाहरों बाहर जाएगा तो लोगों को बहुत एक राहत का मौका मिलेगा। जाम लगता था, जामिंग थी बहुत, वही मैंने पहले भी कहा ना कि जब भी कोई पेशेंट होता था, जब भी कहीं आग शाग लगती थी उसकी वजह से, जामिंग की वजह से टाइमिंग पे गाड़ी नहीं पहुंचती थी, तो अब ऐसा दिक्कत नहीं, स्कूली बच्चों को दिखती थी। तो मैं कहता हूं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत राहत मिलेगी, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो स्कूली बच्चे हो। देखिए, ये बात फैक्ट है कि जो जितनी भी इस टाइम अगर नेशनल हाईवे के पूरी नेशनल हाईवे के ऊपर देखा जाए तो सिर्फ एक बनिहाल मार्केट ही है जहाँ पर ज़्यादा एक जामिंग की प्रॉब्लम रहती है। अब इसी के लिए जो यहाँ पर जो बाईपास है, जो आपने बताया खारपुरा से ले करके जो हमारा ऊपर नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करता है टीचर ओप में, तो इसके लिए बाईपास जो है उस पर काम चल रहा है और बड़ी तेज़ी से उस पर काम किया जा रहा है, और हमारी कोशिश है कि इस विंटर से पहले पहले हम इसको कनेक्ट कर दें ताकि हमेशा हमेशा के लिए जो जामिंग की समस्या है वो दूर हो सके। इसके लिए हमने एंडिंग नवंबर का जो इन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और बाकी आपने देखा ही होगा कि कितनी दिन रात उसमें काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि इस विंटर से पहले पहले हम इसको थ्रू कर दें। जब अभी सी बात है कि जब अपनी सारी हैवी ट्रैफिक जो है बाईपास से हो जाएगी, फिर बनिहाल में जो जामिंग की समस्या जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।